भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी कि सोमवार से देश में लागू हो गया है। इस विधेयक को दोनों सदनों से पास करते समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए गए थे। कानून प्रक्रिया में कितना बदलाव आएगा और अपराध को नियंत्रण करने में कितनी मदद मिलेगी ये देखना होगा। भारत नेट 9 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी कि सोमवार से देश में लागू हो गया है। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सदनों से पास करते समय सिर्फ 5 घंटे की बहस की गई थी और ये वो समय था जब संसद से विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए गए थे। उस समय विपक्ष और कानून के जानकारों ने कहा था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा उस पर संसद में मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी। आज से ये नए कानून देश में लागू हो गए हैं जबकि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का विरोध किया है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकारें भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने को स्वतंत्र हैं। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल, नस्ल जाति समुदाय लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, चुनौती के लिए 3 साल तक की जेल, यूएपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनानी है। अब से संघीय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक एक बेहतर अपग्रेड किया जाएगा जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही ईएफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी लेकिन अब 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इसकी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राष्ट्रों को आईपीसी से हटा दिया गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया इसके लिए 10 साल की सजा होगी। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह हटाना सही नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक सेक्स के अपराधों में किया जाता रहा है। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग सभी पूछताछ जो सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर सकते थे। कानूनों को लागू किए जाने से एक सप्ताह पहले विपक्ष शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के MK स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कानूनों को लागू न करने की मांग की थी। तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस कानून के नाम पर भी आपत्ति जताई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा सिंह जयसिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर
तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होंगे तो हमारे सामने बड़ी न्यायिक समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभियुक्त की जिंदगी और आजादी खतरे में पड़ सकती है। इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री के साथ साथ देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं से सार्वजनिक रूप से अपील की है कि तीनों आपराधिक कानूनों पर तब तक रोक लगा दे जब तक कि उन पर और चर्चा नहीं हो जाती। उनका कहना है कि एक बार फिर से बारीकी से विचार किया जाए। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि कानून का मूलभूत तत्व है कि कोई भी तब तक सजा का पात्र नहीं है जब तक उसने वो काम तब ना किया हो जब वैसा करना अपराध हो। इसे कानून की भाषा में सब्सटेंसिव लॉ यानी कि मूल कानून कहते हैं। अब जो पहले अपराधी नहीं था आज अपराधी बन गया है। अब ऐसे में कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। लेकिन हमारे प्राकृत्यात्मक कानून यानी कि प्रोसीजर लॉ जैसे अब तक हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते थे वैसे काम नहीं करते। अतीत में हमारे पास कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके जरिए हम ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों की व्याख्या अतीत में हुई है तो हमारे लिए कानूनों की उस प्रिज्म से देखने की सहूलियत है। 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुए हैं उन पर पुराना सब्सटेंसिव लॉ लगेगा और 1 जुलाई के बाद के अपराध के लिए नया कानून लागू होगा। लेकिन कोर्ट में सुनवाई नए कानून से होगी या नए प्राक्रियात्मक कानून से इसे लेकर तनातनी बनी हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि नए कानून उनके प्रति भेदभाव कर रहा है तो वो चाहेंगे कि मेरा ट्रायल पुराने प्राक्रियात्मक कानून के तहत हो। अब इस कानून की दिक्कतों को लेकर वो कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता 150 से भी ज़्यादा पुरानी है और दंड प्रक्रिया संहिता को भी 1973 में संशोधित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यायिक व्याख्या की है और इसलिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हमारे पास निश्चितता है। नए कानून के लिए उस स्तर की निश्चितता हासिल करने में 50 साल और रहेंगे। तब तक मजिस्ट्रेट को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या करना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कानून के किसी विशेष प्रावधान पर फैसला नहीं ले लेता। और देश में सैकड़ों हजारों मजिस्ट्रेटों में से हर मजिस्ट्रेट कानून की अलग अलग व्याख्या कर सकता है। अब ऐसे में एकरूपता होगी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में फंसेगा कौन, वो जो अभियुक्त है। मूल चिंता यही है कि अभियुक्त के साथ क्या हो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये स्पष्ट हो रहा होगा तो अभियुक्त जमानत पर होगा। कानून के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। सवाल ये भी है कि क्या आपने बैकलॉग में जो केस पड़े हैं उनके बारे में सोचा है, क्या उन्हें भी ध्यान में रखा है। इंदिरा जयसिंह ये कहती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलग जीवन और संविधान से वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सिलवाड़ा ने भी नए आपराधिक कानूनों को संविधान का मजाक बताया है। वो कहते हैं कि भारत के नए आपराधिक कानून सुधार या दमन विशेष पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो कहती हैं कि ये कानून संविधान में निहित अधिकारों का मजाक उड़ाते हैं। इन कानूनों को पारित करने से पहले विस्तृत चर्चा की जरूरत है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहती हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ताने बाने के खिलाफ है और हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ते कदम की तरह है। अब कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं। अब ये कानून तो लागू हो गए हैं लेकिन इसमें कानून प्रक्रिया में कितना बदलाव आएगा और अपराध को नियंत्रण करने में कितनी मदद मिलेगी ये देखना होगा। @9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।